सीएए लागू नहीं होगा ऐसा सपना देखने वाले कर रहे हैं भूल, इसमें नहीं हो सकता बदलाव, गृह मंत्री अमित शाह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ख्याति पुष्कर और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। चुनावी माहौल के बीच नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सीएए को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से इस मामले को हवा देने का काम कर दिया है। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने साफ किया है कि जिन लोगों को लग रहा है कि सरकार ने सीएए को ठंडे बस्ते में डाल दिया है वो गलत है, लोग इसे लेकर कंफ्यूजन में ना रहे। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए एक वास्तविकता है और इस देश का कानून है, इसे लागू नहीं होने को लेकर सपना देखने वाले भूल कर रहे हैं। गृह मंत्री ने सीएए को लागू करने में हो रही देरी को लेकर कहा कि हमें इसे लेकर नियम बनाने हैं, कोरोना के चलते ये लागू नहीं हो पाया था लेकिन अब कोरोना खत्म हो रहा है, अब इस पर काम होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमित शाह ने पहली बार ये कहा हो, इससे पहले भी अपने कई भाषणों में अमित शाह नागरिकता कानून को लागू करने का जिक्र कर चुके हैं। इस कार्यक्रम के दौरान अमित शाह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिस पर गृह मंत्री ने कहा कि मामला अभी कोर्ट में, इसलिए इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है क्योंकि अयोध्या के फैसले के बाद जो विवाद सामने आए हैं उसमें इस कानून को लेकर चुनौती सामने आई है। मैं मानता हूँ कि हर कानून अदालत की लीगल स्क्रूटनी के पास होना चाहिए, सरकार इस पर अपना जवाब दाखिल करेगी। चीन को लेकर अमित शाह ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद काफी पुराना है, आज जो सवाल उठा रहे हैं उनके समय में चीन में 1,00,000 एकड़ से ज्यादा भूमि चली गई, उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। जहाँ तक हमारी सरकार की बात है तो हम कटिबंध है कि 1 इंच जमीन भी विदेशी देश के कब्जे में नहीं जा सकती है। इस इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के मिशन साउथ को लेकर कहा कि इस बार वहाँ बीजेपी की एंट्री होगी, बीजेपी की तेलंगाना में सरकार बनेगी, मैं जमीनी नब्ज को पहचानता हूँ, जानता हूँ कि बदलाव होने वाला है। तो आपका इस पर क्या विचार है हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल ट्रिगर न्यूज़। धन्यवाद।